चलिए, मुझे याद है रिएक्शन चल रहे थे और मैंने आपको सीमा कार्य अभिकर्मक के बारे में समझाया था, है ना। सबको ध्यान है सीमा कार्य अभिकर्मक क्या होता है? सीमा कार्य अभिकर्मक क्या होता है? सीमा कार्य अभिकर्मक वो होता है जो यह डिसाइड करता है कि उत्पाद कितना बनेगा, उत्पाद कितना बनेगा, उसकी उत्पाद की कितनी मात्रा बनेगी। और सीमा कार्य अभिकर्मक तो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, सीमा कार्य अभिकर्मक तो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, जीरो बचता है। चलिए आप थोड़ा सा मैं आपको इम्पोर्टेंट परमाणु भार पर कुछ चीजें समझाऊंगा। कल की क्लास के बाद हम नया पॉइंट स्टार्ट करते हैं, परमाणु भार। परमाणु भार ध्यान दीजिएगा, परमाणु भार जो हम इस परमाणु भार को हम एएमयू में भी रिप्रेजेंट करते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं किसमें, ग्राम में। तो आप ध्यान से सुनना अच्छे से, है ना, बहुत अच्छे से। सबसे पहले मैं तुम्हें परमाणु द्रव्यमान इकाई ये समझा रहा हूं क्या होता है। इस पर एक क्वेश्चन आता है, सिंपल है, परमाणु द्रव्यमान इकाई, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। आवाज आ रही है? सर आ रही है। ओके। परमाणु द्रव्यमान इकाई, इसे हम बोलते हैं एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। एक एटॉमिक मास यूनिट का मतलब आपसे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सबको मालूम है कार्बन 12, कार्बन 12, कार्बन 12 के एटॉमिक यस, कार्बन 12 के परमाणु द्रव्यमान का 1/12 को एएमयू कहते हैं। तो इट इज द 1/12 ऑफ एटॉमिक मास ऑफ कार्बन C12, ये याद करना है अपने को। अब देखो इसको अच्छे से समझना। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि एएमयू क्या है, तो आपका ये हो गया कार्बन 12 के परमाणु द्रव्यमान का 1/12 को एएमयू कहते हैं। अब निकालेंगे कैसे, इसको समझना है अपने को, निकालेंगे कैसे। तो किसी भी, जब आप यहाँ लिखते हो तो यहाँ देखो, ये कार्बन जैसे मैंने लिखा तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 12 है, ये होता है परमाणु भार, ये होता है परमाणु भार। क्या होता है ये? परमाणु भार। और ये क्या होता है? परमाणु क्रमांक। तो हमको क्या लेना है? परमाणु भार कितना है? कार्बन 12 का परमाणु भार ये दिया है 12 ग्राम। तो ध्यान से सुनिए, 12 ग्राम है, ठीक है, कार्बन 12 के एक परमाणु का भार, कार्बन 12 के एक परमाणु का भार हुआ 12, ये इसका मोलर मास है, डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर।
पहले एक मिनट, पहले एक मोल निकाल लें कार्बन 12 के, एक परमाणु का भार निकालना है अपने को, कार्बन 12 के एक परमाणु का भार। तो ध्यान से सुनिएगा, एक मोल में कितने होते हैं जरा बोलो, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, माने 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 परमाणुओं का, परमाणुओं का भार 12 ग्राम है। ये देखिए, ये एक मोल, कल आपको मैंने मोल की बातें समझा दी थी, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 परमाणुओं का भार कितना है, 12 ग्राम है। इसलिए इसलिए आपको ये निकालना है कार्बन 12 के एक परमाणु का भार। तो इसको मैं दोबारा यहां फिर से लिख देता हूं, ये चाहिए अपने को। इसलिए कार्बन 12 के एक परमाणु का भार यह आया 12 डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। सोचो इतने परमाणु है आपके पास, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, इतने परमाणुओं का भार कितना है, 12 ग्राम। तो एक परमाणु का भार कितना होना चाहिए, 12 बटे इतना, 12 बटे इतना। तो ये एक परमाणु का भार, ये निकाल दिया मैंने एक परमाणु का भार, कार्बन 12 के एक परमाणु का भार 12 बटे इतना, ये एक परमाणु का भार आया। इसको फिर से लिख दिया ना नीचे मैंने, तो कार्बन कार्बन 12 के एक परमाणु का भार, ध्यान से सुनना, एक परमाणु का भार। तो किसी भी तत्व के एक परमाणु का भार मतलब उसका परमाणु भार बटे एवोगाड्रो नंबर। बात समझ आई, मैं अभी फिर से लिख दूंगा, तो आप इसको लिख लो पहले। हमको पढ़ना है परमाणु द्रव्यमान इकाई पर, तो कार्बन 12 के परमाणु द्रव्यमान का 1/12 को एएमयू कहते हैं। अब देखो, तुमने कार्बन ये निकाल लिया, देखो ये कार्बन 12 के परमाणु का द्रव्यमान, ये देखिए कार्बन 12 के परमाणु का भार या द्रव्यमान भी लिख सकते हो, द्रव्यमान भी लिख सकते हो, ये निकाल लिया तुमने, ये बात तुमने निकाल ली। समझ आ गई बात तुमको, हेलो, ये बात समझ आ गई तुमको, ये जो सर्कल में चाहिए था आपने ये निकाल लिया, कार्बन 12 के एक परमाणु का भार कितना आया बताओ, 12 ग्राम बटे एवोगाड्रो नंबर। तो ये आपका आ गया कार्बन 12 के एक परमाणु का भार, लिख लिया सबने, यस आर नो, यस सर, ये लिख लिया आपने। अब ये चीज तुमको मिल गई, अब परमाणु द्रव्यमान इकाई की परिभाषा क्या है ये मिल जाए, तो इसका कितना करना है, 1/12 भाग, 1/12 भाग, इसको तुम कैसा लिख सकते हो, 1/12 भाग भी लिख सकते हो, 1/12, 1/12 भाग। अब मैं ये तुमने निकाल लिया, ये देखिए ये तुमने निकाल लिया, यहाँ पे रखा मैंने, इसको दोबारा लिखना है ना, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ये मेरे पास स्पेस खाली है। तो ये आपने निकाला कितना, 12/6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ये तुमने जो निकाला इतना, इसको मैंने यही लिख दिया। और इसका क्या करना है, का 1/12, का मतलब होता है गुणा, का मतलब होता है गुणा, तो 1/12 से हमने गुणा कर दिया, तो ये 12 से ये 12 कैंसिल हो गया, और ये जब आपको वैल्यू मिली 1/6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। जरा सोचो कि एएमयू का मतलब, कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो पहला ये है, क्वेश्चन पूछा जाता है एएमयू का क्या मतलब होता है, तो आंसर दो मेरे साथ, बोलो आंसर दो, कार्बन 12 के परमाणु भार का 1/12,
कार्बन 12 के परमाणु द्रव्यमान एक परमाणु, आप चाहे यहाँ कंफ्यूजन ना हो तो एक परमाणु कर सकते हो, एक परमाणु। ये पेन है तो मैं क्या बोल रहा हूँ, पेन दे दो तो एक अपने आप उसमें लगा है, उसको बोलने की जरूरत नहीं होती, पेन दे दो मैंने एक पेन दे दो, ठीक है। तो कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान, आपने एक परमाणु का द्रव्यमान ये निकाल लिया, ठीक है। और इसका कितना, इसका कितना पार, जल्दी बोलो इसका कितना पार, बोलो इसका कितना पार, एक बटे बारह भाग, एक बटे बारह भाग, और इससे ये कैंसिल हो गया तो ये आ गया आपका 1/6.022 × 10^23। और इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा। और अब आप इसे सॉल्व करना कि कितना इसका वैल्यू आता है, ये अप्रॉक्स आएगा, तुमने 6 को ये छोड़ दो, एक में 6 का भाग दिया तो 6 × 6 पॉइंट लगेगा, अब फिर बचे 4 तो 6 × 36 तो 0.166 × 10^23। ये ग्राम जो आया ये इतना Mu कहलाता है, दिस इज इक्वल टू 1 AMU। बोलो समझ आया आप लोग को। तो पहली बात में टॉपिक डाला था ये, और मैंने सबसे पहली बात आपको इसकी परिभाषा लिखी, मेरे साथ बोलो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, AMU की परिभाषा बोलो क्या होती है, बोलो मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आप तक? यस सर आ रही है। तो तुम बोलना बोलते क्यों नहीं हो? कार्बन 12 के एक परमाणु, कार्बन 12 के एक परमाणु का 1/12 भाग, आप ऐसा भी लिख सकते हो 1/12 भाग, भाग लिख दो, वो तो 1/12 का मतलब वो भाग ही होता है, तो 1/12 भाग क्या कहलाता है, AMU कहलाता है। अब इसे कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनो, फिर से 6.022 × 10^23 कार्बन के परमाणुओं का भार कितना है, 12 ग्राम है, तो एक परमाणु का भार निकाल लिया 12 इतना आया, और इसका भी 1/12 कर दिया तो ये आपका ये मिल गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमेशा पूछा जाता है भाई, हमेशा पूछा जाता है, समझ आ गया आपको। और इसका ये पॉइंट हटा दो तो 1.66 × 10^-24 क्या हो जाएगा, 24, तो ये आपका AMU का मान आ गया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है AMU। अब देखो ये लिख लिया पूरा आप लोगों ने इसको, लिख लिया आप लोगों ने इसको? नो सर। नहीं लिखा अभी? अब देखो परमाणु द्रव्यमान इकाई की परिभाषा पूछी जाए तो याद हो गई तुम लोग को, कार्बन 12 के परमाणु के द्रव्यमान का 1/12, कार्बन 12 के परमाणु द्रव्यमान का 1/12, और AMU पूछा जाए उसका मान कितना होता है तो कितना है, 0.166 × 10^-23 या 1.66 × 10^-24। तो अब आप वैल्यू भी याद करोगे, कई बार ऐसा क्वेश्चन दे देंगे परमाणु द्रव्यमान इकाई होती है तो 1/Avogadro नंबर, देखो फाइनल क्या आया था, 1/Avogadro नंबर आया था। अब देखो
कभी तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है, एक परमाणु का द्रव्यमान किसी भी जगह, तो बताओ ये क्या है? ये एवोगैड्रो संख्या है। ये किसी भी चीज के एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर से परमाणु भार बटे एवोगैड्रो नंबर, ये ग्राम में आ जाएगा, ये ग्राम में होता है। ये किसमें है? ग्राम में है। ये किसमें है? ग्राम में है। ध्यान से सुनिए, परमाणु भार बटे एवोगैड्रो नंबर। मैं एक प्रश्न दे रहा हूं, सोडियम सोडियम ये लिखा अपन ने 1123 के एक परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा? अब बताओ क्या आना चाहिए आंसर जल्दी से? परमाणु भार कितना है? 23। बस तो ये इसमें वैल्यू रखा अपन ने 23, और एवोगैड्रो नंबर आपका ये लिखा है बस, तो 6.023 × 10^23 इसको सॉल्व करना, ये ग्राम में आएगा। किसमें आएगा? ये ग्राम में आ जाएगा। आपको ग्राम में यदि पूछा जाए, ग्राम में यदि पूछा जाए तो हमेशा एक परमाणु का भार निकालना है, तो द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान बटे एवोगैड्रो नंबर किसी भी चीज का। बोलो समझ आ गया? आपसे बोला जाए, क्वेश्चन दिया हाइड्रोजन ऐसा लिख के देंगे 1H1, ये ऐसा माने हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान, तो आंसर क्या होगा बताओ? एक इसका ये परमाणु भार है और एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दीजिए 6.022 × 10^23 हो गया, ये डिवाइड हो गया 1 इसका ये परमाणु भार है, एवोगैड्रो से डिवाइड कर दो। तो किसी का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि एक परमाणु का द्रव्यमान कितना, तो बहुत सिंपल है, एक परमाणु का द्रव्यमान उस परमाणु का द्रव्यमान ग्राम में परमाणु भार बटे बोलो एवोगैड्रो नंबर। और ये परमाणु भार किसमें लिया है तुमने? बोलो ग्राम में। ये मोलर परमाणु भार है, इसको और अच्छे से लिखना है तो मोलर मास, ये मोलर है, मोलर पर अपन परमाणु भार जो बोलते हैं वो मोलर ही होता है, अपन जो परमाणु भार लिखते हैं वो मोलर परमाणु भार ही होता है, मोलर भार कहते हैं उसको। तो इस तरह से हम एक परमाणु का, यहाँ ध्यान दीजिए ये एक परमाणु का है, ये एक परमाणु का निकाल रहे हैं आप, एक परमाणु का, तो ये कितने परमाणुओं का है? एवोगैड्रो नंबर के बराबर परमाणुओं का भार हाइड्रोजन में एक है, एवोगैड्रो नंबर के बराबर परमाणुओं का भार सोडियम में 23 है, तो एक परमाणु का भार कितना हुआ? 23 बटे ये। अब बताओ पूरी बात समझ आ गई? कभी क्वेश्चन आए तो आपसे बन जाएगा ये वाला? यस सर। यस सर। कभी क्वेश्चन सिंपल पूछते हैं, परमाणु भार एक परमाणु का द्रव्यमान है। तो ध्यान से सुनिएगा,
यहां मैं लिख रहा हूं तत्व, यहां लिख रहा हूं परमाणु क्रमांक, और यहां लिख रहा हूं परमाणु भार ग्राम में, ठीक है। बड़े खास तत्वों को लिख रहा हूं, जो आपको जरूरत पड़े तो आप कभी भी देख लीजिए, बिल्कुल खास ध्यान से सुनिएगा। ये जो परमाणु भार होता है एक्चुअली में मोलर परमाणु भार ही होता है, जो ग्राम में व्यक्त किया जाता है, जिसे अपन परमाणु भार बोल देते हैं, जिसे अपन मोलर परमाणु भार बोलना चाहिए, और वह ग्राम में व्यक्त कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये देखो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक एक है और परमाणु भार एक है, ये हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक एक है, परमाणु भार एक है। हीलियम का परमाणु क्रमांक दो है, परमाणु भार चार है, ठीक है। हीलियम, लिथियम और आपका जो कार्बन, सीधा अपन लिखते हैं, मैं हीलियम लिथियम भी लिख देता हूं, तीन सात, लिथियम के बाद बेरिलियम चार नौ, बोरान पांच ग्यारह, पांच दस भी लिख सकते हैं, टेन पॉइंट समथिंग है बोरान, कार्बन सिक्स ट्वेल्व, ऐसा तो सिक्स ट्वेल्व हो गया। जो खास है अभी ये कोई खास नहीं है, कार्बन खास है, फिर नाइट्रोजन बड़ा खास है, सात चौदह, सात चौदह। ऑक्सीजन बड़ा खास है, आठ सोलह। फ्लोरीन छोड़ सकते हैं, फ्लोरीन की जरूरत नहीं हमें। सोडियम बड़ा खास है, ग्यारह तेईस सोडियम, ठीक है। मैग्नीशियम बड़ा खास है, बारह चौबीस। एल्यूमिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, तेरह सत्ताईस, ये बड़े इंपॉर्टेंट, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, और बाकी तेरह चौदह पंद्रह। हाँ फास्फोरस भी जरूरत नहीं पड़ेगी, फास्फोरस लिख देता हूँ, सिलिकन की जरूरत नहीं पड़ेगी, फास्फोरस लिख देता हूँ चौदह, और एप्रोक्स इकतीस फास्फोरस। सल्फर बड़ा इंपॉर्टेंट है, सल्फर सर फास्फोरस पंद्रह होता है, हाँ सल्फर सोलह बत्तीस, ये बड़ा पंद्रह है, चौदह लिख दिया हमने, सिलिकन होता है चौदह। तो सल्फर बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लोरीन बड़ा इंपॉर्टेंट है, सत्रह पैंतीस दशमलव पांच, पैंतीस दशमलव पांच। तो ऐसा जरा लिखते जाइए, जो खास खास है वे आपके सामने रहे तो कॉपी में कभी भी अपन ने खोल के उसे देख लिए, बाकी तो फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर में उसके पूरे दिए रहते हैं, बट मेन मेन मैंने लिख दिए ताकि आपको दिक्कत ना आए। इन्हें कोई रटना नहीं है, ठीक है, बस केवल लिख लो। और ये लिख लिए ये वाले, देखिए पोटेशियम बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1939 पोटेशियम। कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है, 2040 कैल्शियम का, ठीक है। और आयरन पर ध्यान देना, आयरन में होता है आयरन 26 है, ये 56 है आयरन, ठीक है। कॉपर बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉपर 29 63.5। जिंक बड़ा इंपॉर्टेंट है, 30 और 64। ये हो गया बेटा ये वाले, ये लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। जिंक हो गया,
इसमें सिल्वर बड़ा इम्पोर्टेंट है, सिल्वर होता है 47108, सिल्वर इम्पोर्टेंट है ना। तरफ सिल्वर पर ध्यान दीजिए, और ब्रोमीन, ब्रोमीन होता है 3580, आयोडीन होता है 53127। ये बड़े खास है, बस इतने कर लो आप। लिख लिया बेटा ये? यस सर। तो इस तरह आप ये परमाणु भारों को ध्यान रखेंगे। तो ये कोई रटना नहीं है, बस जब आपका क्वेश्चन आए तो आपने देख लिया कि भूल गए सिल्वर का होता है 108, बस ऐसा देख लिया। और 90% क्वेश्चनों में तो परमाणु भार हमेशा दिए रहेंगे आपको, है ना। पर ये अपन ने इसलिए लिखे हैं कि आपको कई बार क्वेश्चन के नीचे नहीं दिए रहते हैं, तो फिर आप इसमें से देख लो और फिर धीरे धीरे वो ध्यान में आ जाएंगे। मेन सोडियम कैल्शियम क्लोरीन वगैरह है बस, जो और सिल्वर जो आपको हमेशा कभी नहीं दिए जाए तो आपको ध्यान रहे, है ना। अब बताइए ये बात समझ आ गई आप लोग को, और लिखने का तरीका समझ आ गया, कभी कभी कैसे लिखते हैं बताओ, लिखने का तरीका। yes, sir. लिखने का तरीका फिर से एक बार, सोडियम को लिखना है तो कैसे लिखोगे, 1123 ये ऐसा कहीं भी, तो ये परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु भार होता है। तो ये लिखने के तरीके में कभी कभी आपको ये नहीं दिया जाए मान लो ऐसा, तो आप समझ जाओगे कि यहाँ परमाणु क्रमांक होता है और यहाँ परमाणु भार होता है, बस ये परमाणु भार दिया है, ऐसा लिख देते हैं कभी कभी। ठीक है, बात क्लियर हो गई तुम लोग को? यस सर। आप लिखिए अगली बात, है ना। परमाणु भार निकालते कैसे हैं उसको समझना है, कभी कभी उसकी जरूरत हमें पड़ती है और हम गड़बड़ कर जाते हैं, उसके लिए मैं आपको समझा रहा हूं। परमाणु भार जरा सोचो, हीलियम में उदाहरण दे रहा हूं, उदाहरण हीलियम का हमको परमाणु भार निकालना है। हीलियम का परमाणु भार निकालने के लिए हीलियम में प्रोटॉन कितने होते हैं, 2, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2, जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, और न्यूट्रॉन कितने होते हैं, 2, ये होते हैं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, ये हीलियम का परमाणु है। अगर आप हीलियम का परमाणु बनाओगे तो ये नाभिक हो गया, नाभिक में प्रोटॉन हो गए 2, न्यूट्रॉन हो गए 2, और ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है, ये हो गया नाभिक। तो ये हम सामान्य बात लिखते हैं। तो आपको परमाणु का मीनिंग होना चाहिए क्लियर, परमाणु का मीनिंग ये है कि उसमें जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन ये इसमें है, और ये है नाभिकीय कण, ये हो गए नाभिकीय कण। ठीक है, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं इन्हें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन कहेंगे, न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियॉन कहेंगे। तो ये मैंने परमाणु बना दिया। जरा सोचो, इस पेन का द्रव्यमान निकालना, इस पेन का, तो इस ढक्कन का द्रव्यमान भी मालूम होना चाहिए, इसका द्रव्यमान भी मालूम होना चाहिए, इसका क्या है, इसका द्रव्यमान भी। अब आगे ये जो जरा सी निब दिख रही है आपको, जरा सी निब दिख रही है, ये जरा सी निब, इसका द्रव्यमान भी मालूम होना चाहिए निब का, तब हम ये पेन का पूरा द्रव्यमान निकाल सकते, इसका, निब का, जो इसका और इसका। लेकिन ये बताओ
पूरे पेन के द्रव्यमान में इस निव का द्रव्यमान कितना है, इतना कम है कि हम इसे नगण्य मान सकते हैं। बात समझ आ गई बेटा? इस पूरे पेन के द्रव्यमान में इस निव का जो द्रव्यमान है इतना कम है कि इसको हम नगण्य मान सकते हैं। मेरी ये बात समझ आ गई आप लोग को कि नहीं आई? यस सर। ओके, अब जरा सोचो, मुझे प्रोटॉन मेरे पास दो हैं, इलेक्ट्रॉन मेरे पास दो हैं, न्यूट्रॉन मेरे पास दो हैं। मैं प्रोटॉन का द्रव्यमान लिख रहा हूं। ये देखिए, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, मैं ये AMU में निकाल के दे रहा हूं आपको पहले, है ना, प्रोटॉन का AMU में द्रव्यमान 1.0075 AMU। जरा सोचो, अच्छे से सोचना, 1.00, एक जीरो लगाए, फिर दो जीरो लगाए, दो जीरो के बाद 75 लगाए, तो तुम इस 75 को क्या कर सकते हो? बोलो, इतना कम है, कितने जीरो के बाद है? एक और दो उसके बाद है ये, तो इसको आप अप्रॉक्स क्या लिख सकते हो बेटा? अप्रॉक्स क्या लिख सकते हो? 1। समझ आ गई मेरी बात? ये समझ आ गई आपको? ये अप्रॉक्स आप 1 लिख सकते हो। फिर न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ये होता है 1.0089 AMU, तो इसको भी तुम नेगलेक्ट कर सकते हो, इसको भी तुम नेगलेक्ट कर सकते हो, तो अप्रॉक्स इसका भी क्या लिख सकते हो? 1। और इलेक्ट्रॉन का ये होता है, इधर देखिए, 0.000। अब बताओ, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लिख रहे हो तुम, एक जीरो, उसके बाद फिर पॉइंट लगा, फिर दूसरा जीरो, फिर तीसरा जीरो, फिर चौथा जीरो, कितने जीरो लगे हैं यार? 3 जीरो। उसके बाद ये 54 AMU, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हुआ, या आपका हुआ प्रोटॉन का द्रव्यमान, या आपका हुआ न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को तुम 1 मान लो, प्रोटॉन के द्रव्यमान को तुम 1 मान लो, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को तुम 0.00054। अब बताओ, तुम इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को क्या कर सकते हो? बोले सर, जीरो। जीरो का मतलब क्या हुआ? 0.00030 यार, उसके बाद 54, तो इसको आप परमाणु द्रव्यमान निकालते समय इसको आप बिल्कुल नगण्य कर दो, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य हो जाएगा। बात समझ आ गई? क्योंकि जीरो के बाद 3 जीरो, उसके बाद 54 है, तो इसको आप पूरा क्या कर सकते हो बेटा? क्या कर सकते हो? नगण्य कर दो। तो अब परमाणु द्रव्यमान निकालना है तो हम केवल क्या यूज करेंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना कम है कि उसे जीरो मान करके हटा देते हैं। यही जीरो है, जीरो के बाद भी 3 जीरो लगे हैं तो हटा दिया जाएगा। अब बताओ, अगर मान लो मैं तुमसे हीलियम का परमाणु भार AMU में, हीलियम का परमाणु भार ये AMU में निकाल रहे हैं हम, ठीक है, या परमाणु भार भी लिख सकते हो, परमाणु द्रव्यमान भी लिख सकते हो, द्रव्यमान AMU में निकाल रहे हैं, ठीक है, तो ये एक्चुअली हीलियम के, और अच्छे से लिखना हो तो हीलियम के एक परमाणु का, एक परमाणु है, एक परमाणु में एक प्रोटॉन है, दो प्रोटॉन है, दो न्यूट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, तो आपने ये निकाला, तो ध्यान दीजिए, प्रोटॉन कितने बेटा? 2, और उसका भार कितना माना तुमने? 1, प्लस न्यूट्रॉन कितने बेटा? 2, और भार कितना माना? 1। बोले सर, क्या ये यूज नहीं करें? कर सकते हैं, पर ये इतनी दूर है कि आप इसको छोड़ दो, इसको आप छोड़ दो, ठीक है, बहुत ज्यादा अंतर आने वाला नहीं है, इसलिए मैंने 1.0075 नहीं लिया, 1 ले लिया, 1.0089 नहीं लिया, मैंने क्या ले लिया? 1, और हमने ये निकाल दिया 4, ये हमने निकाल दिया 4। अब बताओ, बात समझ आ गई तुम लोग को कि नहीं आई? ये बात समझ आ गई तुम लोग को? यस सर।
यस सर। अब अगर तुमको हीलियम लिखना है तो सीधा आप कैसा लिख सकते हो, ये देखिए दो इसका एटॉमिक नंबर है एच ई और ये फोर, तो ये फोर आपका ये दिखने लगा और प्रोटॉन की संख्या मतलब एटॉमिक नंबर आपको ये दिखने लगे। अब बताओ ये बात पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो गई किसी के लिए? अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल हटा दीजिए, न्यूट्रॉन को ये नहीं लेना है बस ये ले लीजिए वन, ये नहीं लेना है ये ले लीजिए, और जितने न्यूट्रॉन है और जितने प्रोटॉन है उनको आप बस जोड़ दो तो हमें मिल जाएंगे प्रोटॉन पूरा परमाणु भार परमाणु द्रव्यमान। तो ये अप्रोक्स परमाणु द्रव्यमान आ गया हमारे पास, क्योंकि इससे और हम जीरो जीरो लगा के लिखेंगे तो भी बहुत यहाँ पॉइंट जीरो 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 तीन जीरो आएंगे तो क्या फायदा लिखने का, तो आप इस तरह से ये लिख सकते हैं। लिखिए यस सर। लिख लिया सर। ओके यस सर। तो यह जो आपका आया अच्छे से सुनिएगा, ये 4AMU आया, आपने अच्छे से लिखा है। देखिए कई बार अपन बोलते हैं ना डॉक्टर साहब मेरे सिर में दर्द हो रहा है, अपन ऐसा कहाँ बोलते हैं डॉक्टर साहब मेरे एक सिर में दर्द हो रहा है, तो यहाँ इसका मतलब है हीलियम के एक परमाणु का द्रव्यमान AMU में, या हीलियम के परमाणु द्रव्यमान AMU में। समझ आ गया बेटा ये 4AMU हुआ। अब ध्यान से सुनिए बेटा, ये जो आपने निकाला है AMU में निकाला है, किसमें निकाला है AMU में। अब ध्यान से सुनिए, यदि हम मैं कभी आपको क्वेश्चन देता हूं तो आप तो 4 ग्राम लिखते हैं हीलियम का परमाणु द्रव्यमान, बोले सर 4 ग्राम, आपने तो अभी देखो यहाँ लिखा है 4 ग्राम, देखो हाइड्रोजन का 1 ग्राम लिखा है, हीलियम का 4 ग्राम में लिखा है, जरा ध्यान से देखो लिखा है तुमने यहाँ पे, सबसे पहले मैंने जो टेबल बनाई उसमें देखो। यस सर। तो बेटा यहाँ जो है हीलियम के एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर से 4AMU, तो हीलियम का मोलर परमाणु परमाणु द्रव्यमान ये 4 ग्राम। अब आपको ध्यान से सुनना है, कहीं गड़बड़ नहीं करना, ठीक है? ये जो AMU में 4 लिखा है, जो वैल्यू ये है वही वैल्यू ये रहेगी ग्राम में, संख्यात्मक मान समान, पर ये AMU में और ये ग्राम में। ये देखिए मोलर द्रव्यमान लिखा है मैंने, मोलर द्रव्यमान, तो AMU में जो वैल्यू होती है जो संख्यात्मक मान होता है वही संख्यात्मक मान मोलर द्रव्यमान में ग्राम में लिखा जाता है। आई बात समझ में? ये बात समझ आई? तो कभी गड़बड़ मत करना, 4AMU अगर दे तो वो एक परमाणु का द्रव्यमान है, एक का, और ये मोलर द्रव्यमान है, मतलब कितने परमाणु का द्रव्यमान, हीलियम के 6.022 × 10²³ परमाणुओं का द्रव्यमान, ये हुआ 4 ग्राम। तो AMU में मिलने वाली जो संख्यात्मक मान है वही संख्यात्मक मान यहाँ भी होता है 4, पर यह ग्राम में व्यक्त किया जाता है। बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को कि सर AMU दिया है तो ग्राम कैसे हो गया, तो मैंने क्या बोला बेटा,
पर मोलर परमाणु द्रव्यमान, आपको मोल का मतलब कल समझा चुका हूं, एक मोल पेन का मतलब कितने पेन, एवोगैड्रो नंबर के बराबर, एक मोल परमाणुओं की संख्या कितनी, एवोगैड्रो के नंबर के बराबर। तो मोलर परमाणु द्रव्यमान ये हुआ 4 ग्राम, ये 4 AMU और ये 4 ग्राम, बहुत गुस्सा आती है। तो AMU मतलब एक ही परमाणु का द्रव्यमान है, और ये एक परमाणु का नहीं है, कितने का है जल्दी बोलो, कितने का है, मोलर। तो जो तुम 4 ग्राम लिखते हो वो मोलर द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान होता है। हीलियम का परमाणु भार, इसे आप परमाणु भार ग्राम में लिख सकते हो, 4 ग्राम, इसे आप परमाणु भार लिखते हो 4 ग्राम। बात एक ही, आप इसको अच्छी तरीके से समझिए, जो मान संख्यात्मक मान यहाँ है वही संख्यात्मक मान यहाँ है। जब हम इसे ग्राम में व्यक्त करते हैं तो ये ग्राम परमाणु भार हो जाता है। अब इसका नाम हो गया ग्राम परमाणु भार, हो कितने ग्राम है, 4 ग्राम। अच्छे से समझिएगा, तो संख्यात्मक मान में कोई परेशानी नहीं है, संख्यात्मक मान भैया इसको जल्दी से लिखिए, और फिर मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं, फिर उसको समझिए। लिख लिया बेटा? यस सर। अब जरा सोचिए, मैंने आपको यहाँ पर चेंज कर रहा हूं ताकि आपको 2-3 एग्जांपल से बात अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं कैल्शियम के एक परमाणु का द्रव्यमान लिखूंगा तो 40 AMU लिखूंगा, जरा अच्छे से सुनना। कैल्शियम का परमाणु भार, कैल्शियम का मोलर परमाणु द्रव्यमान ये हो जाएगा 40 ग्राम। आपने आज की क्लास में वो टेबल देखो, टेबल देखो, उसमें लिखा है कैल्शियम 40। यस सर, लिखा है। ओके, तो आपका कैल्शियम का परमाणु भार कितना हुआ, 40 ग्राम, माने कैल्शियम के एवोगैड्रो नंबर के बराबर परमाणुओं का द्रव्यमान हुआ 40 ग्राम। तो ये देखो, ये भी 40 दिख रहा है, ये भी 40 दिख रहा है, बट बेटा ये 40 किस में है, ग्राम में, और ये 40 किस में है, AMU में। तो कितनी गुस्सा आती है कि कई जगह AMU लिखा है उसको ग्राम लिख दिया। तो संख्यात्मक मान समान होता है, पर यह इतने परमाणुओं का द्रव्यमान है और यह एक परमाणु का द्रव्यमान। तो कैल्शियम के एक परमाणु का द्रव्यमान 40 AMU है, तो कैल्शियम का परमाणु भार ग्राम में 40 ग्राम ही होगा, संख्यात्मक मान बराबर होता है। लिखिए जल्दी एग्जांपल। हो गया सर, हो गया। एक और छोटा सा एग्जांपल ताकि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो। सोडियम के एक परमाणु का द्रव्यमान यह 23 AMU होगा, और सोडियम का मोलर परमाणु द्रव्यमान वह भी 23 होगा, 23 ग्राम, वह भी 23 ग्राम होगा, 23 ग्राम होगा। तुम सोडियम का परमाणु भार कितना लिखते हो, 23, तो उसको किसमें रिप्रेजेंट कर दिया, ग्राम में, किसमें रिप्रेजेंट कर दिया, ग्राम में। अब कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा, संख्यात्मक मान समान होता है। तो बेटा AMU में
जो वैल्यू लिखी है उसी को तुम किस में रिप्रेजेंट करोगे, जल्दी बोलो, ग्राम में। तो आपको आज की क्लास की ये बातें समझ आ गई अच्छे से? यस सर। भाई यस सर आ गई। वेल डन। आपको बहुत कंफ्यूजन होता है इनमें, अब नहीं होगा। अब देखो, अब हम एक्चुअल में तो हमें क्या करना चाहिए, प्रोटॉन है तो 1.0075 लेना चाहिए, ठीक है, और न्यूट्रॉन है तो 1.008 ही लेना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन भी लेना चाहिए, तब एक्चुअल परमाणु भार निकलेगा। इस पेन का एक्चुअल भार तब निकलेगा जब मैं इसका भार निकाल लूं, इसका भार निकाल लूं, इसका भार और निब का भी भार, पर निब के भार को हम नेग्लेक्ट करके काम कर लेते हैं, अपने कैलकुलेशन कर लेते हैं, बस यही हमको समझना होता है, लेकिन एक्चुअल में तो अलग होता है, ठीक है। अब मैं आपको औसत परमाणु भार समझा रहा हूं, औसत परमाणु भार। अच्छा ये बताओ, सब लोग समस्थानिक जानते हैं कि नहीं, क्या होते हैं? यस सर। यस सर। आइसोटोप। तो औसत परमाणु भार, हाँ मैं अभी समस्थानिक लिख रहा हूँ, हमारा टॉपिक है औसत परमाणु भार। मैं उदाहरण ले रहा हूँ क्लोरीन का, उदाहरण ले रहा हूँ मैं क्लोरीन का, क्लोरीन का क्लोरीन के समस्थानिक, एक क्लोरीन होता है 35 और दूसरा क्लोरीन होता है 37, ये दो क्लोरीन। बोले सर यहाँ नहीं लिखा, ये आप लिख सकते हो 17, इसकी हमें जरूरत नहीं है, एटॉमिक नंबर की हमें जरूरत नहीं है, हमें तो भार की जरूरत है। और जरा सोचो, ये वायुमंडल में जो क्लोरीन है उसमें दोनों ही रहेंगे, क्लोरीन का 37 वाला भी रहेगा और क्लोरीन का 35 वाला भी रहेगा, दोनों रहेंगे, समझे बेटा। और वायुमंडल में उपलब्धता इनकी ये होता है 75% और ये होता है 25%, या इसको आपकी ये अनुपात 3:1 भी लिख सकते हो, 3:1 भी, दोनों का मतलब एक ही है, चाहे तुम 3:1 लिखो, चाहे आप 75% 25% लिखो, बात समझ आ गई ना बेटा। ये तो क्लोरीन के दो समस्थानिक होते हैं हमारे सामने, एक है 35 वाला, एक है 37 वाला, ये दो समस्थानिक होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, दो समस्थानिक हो गए और उनका ये उपलब्धता है वायुमंडल में, ये 3:1 या 75:25। तो औसत परमाणु भार जब हम निकालेंगे, औसत परमाणु भार जब हम निकालेंगे तो इक्वल टू, औसत परमाणु भार इक्वल टू, ध्यान से सुनिएगा, ये इस समस्थानिक का भार है 35, इस समस्थानिक का भार है 35, और अनुपात ले लो या ये ले लो, इंटू 3 है, ये हो गया आपका प्लस, इस समस्थानिक का भार है 37 और ये आपके 25 या 1 ले लो, ये 25 इंटू 1, तो 35 इंटू 3 और 37 इंटू 1 और 35 इंटू 3 डिवाइडेड बाई, अगर आपने 75 लिया तो यहाँ पे 75 और यहाँ पे 25 ले लो, तो यहाँ पर थे डिवाइड, अब अनुपात एवरेज लेना है तो 3+1, ये आपका जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा 35.5। समझ आ गया आपको? यस सर। तो yes, sir. किसी भी चीज का परमाणु भार लेना है ना, औसत परमाणु भार, तो ये आपने यहाँ लिखा और ये आपने यहाँ लिखा, गुणा किया, फिर आपने ये यहाँ लिखा और ये यहाँ लिखा, गुणा किया, और जो आपने यहाँ पर लिया उसका सम कर दिया और निकाला, तो ये आपका मिल जाएगा 35.5। ये हुआ बेटा क्लोरीन का औसत परमाणु भार।
और ग्राम में ही होगा ये भी, सब ग्राम में ही। तो ये क्लोरीन का औसत परमाणु भार आपको मिल गया। अब बताओ तुम किसी का भी औसत परमाणु भार निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? यस सर, निकाल सकते हैं। तो अब कंफ्यूज नहीं होना, एक समस्थानिक का परमाणु भार उस समस्थानिक की उपलब्धता दोनों का गुणा, दूसरे समस्थानिक का परमाणु भार उस समस्थानिक का उपलब्धता जो वायुमंडल में उसका गुणा किया, दोनों का योग किया, एवरेज ले लिया, तो ये बन गया एवरेज परमाणु भार। लिख लिया बताइए? यस सर। अब सबके पास ये बताओ पिछले सालों के नीट के पेपर है कि नहीं सबके पास? यस सर, पेपर है सबके पास? सर, नहीं सर, 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 नहीं है तो बहुत गलत बात है ये तो। अगर नहीं है तो गलत बात है, क्योंकि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तुम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम का पेपर तुम्हारे पास होने चाहिए पिछले सालों के। समझ आ गया बेटा? क्यों? क्योंकि आपको उससे पैटर्न पता लगेगा कि यार कैसे पूछे जा रहे हैं प्रश्न, ठीक है? तो वो आपको समझना होगा थोड़ा सा। तो लास्ट ईयर जब देखोगे तो आपको एक बोरान का ये प्रश्न आया है, बोरान का आया है और आयरन का भी आया है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लोरीन का निकाला ना, ऐसे आपको बोरान और आयरन के आए हैं। तो आप ध्यान से उसको करिएगा, बिल्कुल ऐसा का ऐसा करना है जैसा आपने यहाँ पे किया है, बिल्कुल सेम करना है। तो ये औसत परमाणु भार आप निकाल सकते हो। अब अणु भार, परमाणु भारों का योग, इसके सभी परमाणुओं के, सभी परमाणुओं के परमाणु भारों का योग बन गया अणु भार। बड़ा सिंपल है। जैसे उदाहरण लिया अपन ने H2SO4, उदाहरण लिया अपन ने H2SO4 का, ये देखिए सल्फ्यूरिक एसिड का मुझे अणु भार निकालना है तो क्या करूंगा, हाइड्रोजन का परमाणु भार एक है और ये दो दिए हैं, ये देखिए ये हो गया प्लस, सल्फर का परमाणु भार होता है 32 प्लस, ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16 और ये 4 दिए हैं, ये गुणा करेंगे या 90 है। तो इस तरह आप किसी का भी परमाणु भार निकाल सकते हो। अब तुम कोई दिक्कत नहीं है परमाणु भार में और अणु भार में, AMU में और औसत परमाणु भार में, पूरे पॉइंट क्लियर हो गए बेटा? तो इस तरह आप किसी का भी, जैसे आपको KMnO4 निकालना है, ठीक है, तो MN आपको दिया रहेगा, MN का आपको याद नहीं करना है, पर मुझे तो सारे याद है तो मैं लिख देता हूँ। पोटेशियम है 39, MN होता है 55, ऑक्सीजन होता है 16×4, इसको सम करके देख लो जो आए वो हो गया। समझ आ गया? अब इसमें कोई परेशानी तो नहीं ना आपको? एक मिनट होल्ड करिएगा, है ना?
चलिए अब बताओ बेटा औसत परमाणु भार का अच्छे से मीनिंग क्लियर हो गया तुम लोग को? यस सर। यस सर। अब एक और परमाणु भार जो आपको पूछा जाता है उस पर अब थोड़ा सा विचार करते हैं। बस लास्ट है परमाणु भार, ये पढ़ाना इसलिए जरूरी था कि आपको कंफ्यूजन बना रहता, नहीं तो कि क्या करें इसमें। चलिए न्यूनतम अणुभार, न्यूनतम अणुभार, न्यूनतम, ठीक है ध्यान देना, न्यूनतम की बात की जा रही है, न्यूनतम की बात की जा रही है। जरा सोचिए ये कोई पूरा, ये कोई पूरा एक बहुत बड़ा, ये कोई पूरा एक बहुत बड़ा अणु है, बहुत बड़ा अणु, ये एक नहीं है, ये बहुत सारे नहीं है, ये एक पूरा अणु है, अच्छे से सुनिए। और ये अणु में ये सबसे मिनिमम उसकी यूनिट है, मिनिमम छोटी यूनिट है, अणु बहुत बड़ा है, डीएनए बहुत बड़ा है, डीएनए बहुत बड़ा है, हमको उसका न्यूनतम अणुभार निकालना है। तो हमने एक पार्ट लिया और उसमें देखा कि ये जो है, ये जो है सल्फर, सल्फर का परसेंट दिया हुआ है, सल्फर का परसेंट दिया हुआ है, समझे? तो इस पूरे में, इस पूरे में आपको न्यूनतम भार निकालना है उसका अणु भार, उसमें एक सल्फर का प्रतिशत मात्रा दी हुई है। बस आपको मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। निकालिए किसी कार्बनिक यौगिक में सल्फर का 16% दिया है, उसका न्यूनतम अणुभार ज्ञात करिए। बहुत सिंपल, देखो कैसे करते हैं, ध्यान से सुनना। बस मुझे बताओ तुम्हें 16 नंबर मिले, तुम्हें किसी चीज में 16 नंबर मिले तो कितने में से मिलेंगे? 100 में से, तब तुम बोलोगे 16%। किसी चीज में तुम्हें 16 नंबर मिले, 100 में से 16 नंबर तो कितने परसेंट हो गए? 16%। तो 16% का मतलब है, ध्यान से सुनना, 16% का मतलब है 16 ग्राम सल्फर, 16 ग्राम सल्फर 100 ग्राम, ये क्वेश्चन आया है नीट में आपको, इसलिए लिखा रहा हूं यही वाला 16%। तुमसे बोला जाए तुम्हें कितने नंबर मिले 100 में से, तो तुमने बोला सर 16, तो मैं क्या बोलूं यार 16% है तुम्हारा। तो 16% का मीनिंग क्या हो गया? 16 ग्राम सल्फर 100 ग्राम कार्बनिक यौगिक में उपस्थित है, 16 100 में। अब ध्यान से सुनना, तो सल्फर का परमाणु भार कितना होता है? 32। इसलिए 32 ग्राम, इसलिए बस ये समझना, परमाणु भार के बराबर, ये परमाणु भार के बराबर जो कि 32 ग्राम, 32 ग्राम सल्फर कितने में उपस्थित है? तो 100 गुणा 32 डिवाइडेड बाई 16, ये आ गया आपका 200, ये आ गया आपका न्यूनतम, ये आ गया आपका न्यूनतम परमाणु भार अणुभार। बेटा समझ आ गया? बहुत सिंपल, इसको करके ही देखना पड़ता है,
इसकी कोई तरीका नहीं है। 16% का मतलब 16 ग्राम 100 ग्राम में उपस्थित है, तो पर मिनिमम निकालना है, मिनिमम कितना होना चाहिए, परमाणु भार के बराबर, हमेशा मिनिमम कितना होना चाहिए, परमाणु भार के बराबर। तो परमाणु भार कितना है, 32 होता है, तो 32 ग्राम कितने में उपस्थित होना चाहिए, 200 ग्राम में। ये आ गया इसका न्यूनतम परमाणु भार। लिखिए तब अपन दूसरा क्वेश्चन करते हैं, आपको वो बात क्लियर हो जाएगी। हो गया बेटा? यस सर। अब मैंने क्वेश्चन दिया किसी नायलॉन में, नायलॉन की रस्सियां अपने घर होती है ना, नायलॉन की बाल्टियां, नायलॉन की रस्सियां, नायलॉन में नाइट्रोजन का प्रतिशत 42%, नायलोन में नाइट्रोजन का 42% उपस्थित है, तो उसका न्यूनतम अणुभार निकालिए। तो 42 का मतलब क्या हो गया बेटा, 42 ग्राम यहां पर आ जाएगी नाइट्रोजन, 100 ग्राम, 42 ग्राम नाइट्रोजन 100 ग्राम नायलॉन में उपस्थित है, ऐसा लिखेंगे हम। 42 ग्राम नाइट्रोजन 100 ग्राम नायलॉन में उपस्थित है। बताइए नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, जरा देखिए जल्दी से। 14। इसलिए 14 ग्राम, इसलिए 14 ग्राम कितने में उपस्थित होगी, तो 14/42 ये आपका न्यूनतम परमाणु भार हो जाएगा, या आपका न्यूनतम परमाणु भार हो जाएगा। अब बताओ किसी को कोई परेशानी हो, न्यूनतम परमाणु, न्यूनतम अणुभार हो जाएगा, न्यूनतम अणुभार निकालने में, अब बताओ किसी को परेशानी है क्या? इसको बहुत ज्यादा हो रहा है, ये यहाँ 4.2 कर देना, 4.2 ठीक है, बहुत ज्यादा हो रहा है, इतना हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं 4.2, क्योंकि इतनी ज्यादा परसेंट में होगी नहीं नाइट्रोजन, तो 4.2 कर दिया अपन ने, ये 4.2 तो आप निकाल लेना। अरे वो 42 भी दे तो भी तो करना है ऐसे ही है, अगर वो 42 भी दे तो भी तो करना है ऐसे ही है, मैंने 4.2 लिख दिया, आपसे क्या फर्क पड़ेगा। तो आपको ये न्यूनतम अणुभार की बात क्लियर हो गई बेटा, कैसे निकालेंगे, हमेशा परमाणु भार लिख करके कि उतना परमाणु भार कितने में उपस्थित है, बस वो निकालना, तो ये किसी भी चीज का न्यूनतम अणुभार ज्ञात हो जाएगा। अब मैं आपको जो जरा मैं हाथ धोलूं, ये इससे आईपैड छू नहीं सकता क्योंकि वो गंदा हो जाता है, उसकी स्क्रीन फिर साफ नहीं होती बेटा, मैं 2 मिनट में आ रहा हूं, आप होल्ड करना, अपन क्वेश्चन देखते हैं। यस सर। हम
नहीं है। अरे भूगोल टावल चलिए अब हम मैं आपको कुछ क्वेश्चन समझाता हूँ बताता हूँ कि आपको एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन दिए हैं उनको करने हैं और जो एग्जाम में आए हैं उनको करने हैं आपको। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये दिख रही है बेटा स्क्रीन? यस सर दिख रही है। तो आपको ये वाला क्वेश्चन थोड़ा खुद से सॉल्व करना चाहिए। ये बहुत सिंपल है। देखो मैं बोलता हूँ ना आपको परमाणु भार लिख के दिए जाएंगे। दिया है देखो सबके नाइट्रोजन 14 दिया, ऑक्सीजन 16 दिया, सोडियम 23 दिया, क्लोरीन भी दिया उनने, ठीक है। पर ये बहुत कॉमन है, हो सकता है आपको कभी ना लिख के दिए जाए, तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा ध्यान रखना। जो कॉमन जो मैंने लिख के दिए हैं आपको, सिल्वर देखिए ये 107.8 लिखा है, अपन ने सीधा 108 लिख लिया, तो आप 108 ही उसको ध्यान रखें। मैं बताना चाह रहा हूँ आजकल जो मैंने आपको पढ़ाए हैं वो देखते हैं, पर वो तो क्या है पूरे आपको जब तक क्वेश्चन आप सॉल्व ना करो ना तब तक वो समझ में नहीं आता कि हमको इनका यूज क्या है। ये देखो ये दिया है जैसे क्वेश्चन नंबर 19 देखो अभी जो अपन ने किया वो, तो तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं कि ये क्या दिया जा रहा है। ये देखो ये परसेंटेज आप सेलिनियम कितना दिया है 0.5%, इसमें दिया है पराक्साइड एनहाइड्रेस एंजाइम, मैंने अभी नाइलॉन लिख दिया इसकी जगह, मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिख दिया, और ये देखिए इसका एटॉमिक वेट दिया हुआ है। अब बताओ सॉल्व कर सकते हो कि नहीं इसे? हेलो कैसे सॉल्व करेंगे? इतना सिंपल है, 0.5% का मतलब हुआ 0.5 ग्राम 100 में, ये बस इतना सा आपको देखना है 0.5 ग्राम 100 ग्राम में, इसलिए ये 78.4 कितने ग्राम में होना चाहिए, तो 100 × 78.4 डिवाइडेड बाई 0.5, बस ये सॉल्व कर लो ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ आ गया? क्यों बेटा समझ आ गया आपको ये? यस सर। इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये देखो कल वाला
विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, किस में सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल है। आपको इस साल भी यही आया है क्वेश्चन, बस इसमें क्या बदल दिया है, वहां एटम दे दिया है, यहाँ पे मॉलिक्यूल पूछा है। तो आपको पिछले सालों के पेपर को सॉल्व करना चाहिए। देखो ये अब भी मैंने आइसोटोपिक मास वाला तो मैं समझाया, ये देखो समझाया एवरेज मास, औसत परमाणु भार समझाया कि नहीं अभी तुमको, ये देखिए ये औसत परमाणु भार निकालना है। और ये दिया है कितना 90%, ये आपको दिया है 90%, और ये 200 दिया है तो 200 गुणित 90 कर दिया, प्लस ये दिया है आपको कितना 199 और 8%, तो 199 गुणित 8 कर दिया, प्लस ये दिया है आपको 202 और ये दिया है 2%, तो 202 गुणित 2 कर दिया, इसको गुणा करो, इसको गुणा करो, इसको गुणा करो, जोड़ दो, और कुल परसेंट कितना है 90 प्लस 8 प्लस 2, तो ये 100 हो गया, कुल तो 100 ही रहेगा हमेशा। आंसर निकाल लेना, बोलो समझ आ गया। यस सर। यस सर। यस सर। तो ये हो गए आपके, यही क्वेश्चन आपको आगे भी आया है 99, ये लिखा है ना 99 में 90, और भी जगह आया है, ये नहीं परमाणु भार लिखा होगा या कुछ भी हो, तो ये इसका आंसर होगा। अच्छा ये इसका आंसर है, तो आंसर अब अप्रॉक्स आंसर आप निकाल लेना। तो बोलो समझ आ गया बेटा आपको अब? यस सर। यस सर। तो इस तरह आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इसको एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए आपको। ये देखो ये मैंने बोरान का बोला था ना आपको, कि बोरान का भी आया है तुमको एक क्वेश्चन, देखो कितना सिंपल है बोरान का, ये 10 और ये 90 का गुणा करना, 19 का गुणा करना, ये 11 और ये 81 का गुणा करना, तो क्या हो गया 10 इंटू 100 करना, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड आंसर आ जाएगा। वो बेटा समझ आ गया सब लोग को? यस सर। आज की क्लास पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ आ गई तुम लोग को? yes, sir. और क्वेश्चन भी मैंने समझा दिए आज की क्लास के आपको, पूरे जो आए हैं लास्ट ईयर वाले उसमें, तो आप उनको अच्छे से सॉल्व कर लो। ठीक है,
और मैं रखता हूँ। जय हिंद जय भारत। सर बोलो। सर आज का वीडियो आप सेंड कर देंगे? आज का मैंने नहीं मैंने आज का दिए। आज का भी भेज दूंगा मैं। ओके सर। और ये एक मिनट आपको मैं बतला देता हूँ। जैसे ही आप अपना ग्रुप खोलोगे ना, ये डीएमएच वाला या डी कोई सा भी, तो ये मैंने लिख के भेजे हैं। देखो लेक्चर यहाँ पे लिखा है, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, ये लेक्चर वन दिख रहा होगा और लेक्चर टू दिख रहा होगा। दिख रहा है? यस सर। तो ये लेक्चर वन, बस इस पे क्लिक करना आप, ये इस पे क्लिक करना, ये क्लिक हो गया, ये आ गया, और इस पर क्लिक कर देना, ये देखिए क्लिक कर दिया तो ये स्टार्ट हो जाएगा। यस सर। तो इसमें मैंने डाल दिए हैं, इसमें मैंने डाल दिए लेक्चर वन एंड लेक्चर टू। जिन स्टूडेंट ने नहीं किए हैं तो वो इसे कर लें, ठीक है? और हाँ बोलिए आप सर। क्वेश्चन की पीडीएफ मिल सकती है? पर वो बेटा इंग्लिश में, हिंदी में नहीं है मेरे पास सर। इंग्लिश में कर देना, कर लेंगे सर, क्वेश्चन कर लेंगे सर, सॉल्व इंग्लिश में दे देना। वो मैं भेज दूंगा। यस सर। ग्रुप में डाल लेना, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, रखूं? यस सर। थैंक यू सर। जय भारत। सबको अच्छे से समझ आ गया आज का? यस सर। आज का, आज की क्लास सबको बहुत अच्छे से समझ आ गई कि नहीं आई? यस सर। एक मिनट रुकिएगा अभी मेरे। तो बस मेहनत करते जाइए, अपन सब अच्छा कर लेंगे, ठीक है? जी सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। जय हिंद सर।